सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। कांग्रेस नेता सिद्धार्थ मैया का बड़ा बयान, बोले राम मंदिर का विरोध नहीं कभी किया, मैं हिंदू हूं लेकिन हिंदुत्व का विरोधी हूं। देवेंद्र फडणवीस राहुल गांधी पर कसा तंज, बोले अयोध्या के राम मंदिर में दर्शन कर राहुल गांधी को भी मिलेगा निमंत्रण। फ्लाइट में महिला पर पेशाब करने वाला गिरफ्तार, पुलिस ने बेंगलुरु से पकड़ा आरोपी के पिता, बोले मेरा बेटा सभ्य है। पीएम मोदी के बयान पर शरद पवार का कटाक्ष, बोले राजनीति में उंगली पकड़ कर आने वालों को सदन में जाने से लगता है डर। राहुल गांधी के साथ नंगे बदन चल रहे बच्चे की फोटो वायरल, चंद्रशेखर आजाद के लुक में नजर आए छोटे उस्ताद। जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर किया वार, बोले फूट डालो और राज करो की सियासत करती है कांग्रेस, 2014 के बाद बदल गई है राजनीति। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान, बोले प्रतिभाशाली लोगों के लिए नए द्वार खोलेगा क्षमता केंद्र। बीजेपी सांसद घनश्याम लोधी को जान से मारने की मिली धमकी, लश्कर ए खालसा ने दी व्हाट्सएप पर धमकी। बेंगलुरु के एक मंदिर से महिला को घसीट कर बाहर निकाला, लाते थप्पड़ मारे, महिला भगवान को पति बताकर बगल में बैठना चाहती थी। जम्मू कश्मीर के 17 नेता कांग्रेस में लौटे, 2 महीने पहले आजाद की पार्टी ज्वाइन की थी, वेणुगोपाल बोले ये सभी छुट्टी पर गए थे। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने राम मंदिर पर विवादित बयान, बोले नफरत की जमीन पर हो रहा है राम मंदिर का निर्माण। धस रहे जोशीमठ में हालात बदतर, 600 परिवार शिफ्ट होंगे, मंदिर ढह 561 से ज्यादा मकानों में आई दरारें। शिमला मसूरी से भी ज्यादा ठंड, दिल्ली में राजधानी में कोहरे की वजह से 100 फ्लाइट से डीले, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के साथ बारिश का अलर्ट। केंद्र ने पीएफएफ को आतंकी संगठन घोषित किया, जैश ए मोहम्मद से जुड़ा था, राजौरी ने सैन्य शिविर पर हमले की जिम्मेदारी ली थी। हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा, करनाल में 2.25 घंटे देरी से यात्रा शुरू, रास्ते में बच्चों से मिल रहे राहुल गांधी, हाईवे पर जाम। सपा पूर्व एमएलए के 400 करोड़ जब्त, झांसी पुलिस अब बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज और रेंज रोवर करेगी नीलाम, झांसी जेल में है पूर्व एमएलए। शीतलहर की चपेट में यूपी, सुल्तानपुर, अयोध्या, कानपुर, झांसी में पारा 3 डिग्री पहुंचा, लखनऊ के कुछ हिस्सों में छाया कोहरा। ग्यारह साल तक बंधक रहकर झेली यातनाएं, दलित लड़की बोली मेरा धर्म परिवर्तन कराया गया, जबरन गैंगरेप किया गया, बांधकर बेल्ट से पीटते भी थे। कानपुर आने वाली फ्लाइट 5वें दिन भी निरस्त, कोहरे के चलते रात को आने वाली ट्रेनें सुबह गई, रोडवेज बसों को नहीं मिल रहे हैं यात्री।
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा बयान, बोले हमने हिंदू सेंसर बोर्ड बनाया, क्या कांग्रेस बांग्लादेश पाकिस्तानी को जोड़ना चाहती है। वाराणसी के रैन बसेरों में गीजर और ब्लोअर की व्यवस्था, रात में ठहरने के लिए 23 स्थानों पर की गई 889 बिस्तर की व्यवस्था। इटावा में सड़क हादसे में घायल महिला की मौत, 26 दिसंबर को बाइक की टक्कर से हुई थी घायल, इलाज के दौरान मौत। श्रावस्ती में वन रेंजर की पत्नी की मौत, रेंजर की हालत गंभीर, लखनऊ में चल रहा है इलाज, खाना खाने के बाद बिगड़ी थी दोनों की तबीयत। बहराइच में 3 घरों में चोरी का खुलासा, नकदी व जेवरात के साथ 2 गिरफ्तार, 1 15,000 का इनामी है, जिस पर 25 से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। और रया में घने कोहरे के बीच हासा टोल प्लाजा के डिवाइडर से टकराई टूरिस्ट बस, चालक समेत 4 घायल। बुंदेलखंड में काले हिरणों से किसान परेशान, फसले बर्बाद कर रहा है झुंड, अधिकारी बोले रोकने को किया जा रहा है बेहतर बंदोबस्त। पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी और उनका बेटा अरेस्ट, 7 महीने से फरार मीट कारोबारी पुराने दिल्ली के घर में छिपे थे। बहराइच में बर्फीली हवा से बढ़ी गलन, घने कोहरे से वाहनों की रफ्तार पर लगा ब्रेक, अलाव के पास बैठे दिखे लोग। ट्रेन से टूंडला पहुंचे फिल्म अभिनेता अनुपम खेर, रेलवे की व्यवस्था को सराहा, फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में आए थे लखनऊ। वाराणसी में 11 किलोमीटर पर हावर की रफ्तार से चल रही हवाएं, शहर में विजिबिलिटी 200 मीटर, गंगा किनारे छाए घना कोहरा। फिरोजाबाद में 10,000 का इनामी गिरफ्तार, लूट डकैती के मामले में सालों से था वांछित, गैंगस्टर के तहत 10 से ज्यादा मुकदमा दर्ज किए गए हैं। फतेहपुर में सड़क हादसे में किशोर की मौत, तेज रफ्तार वाहन ने ई रिक्शे में मारी टक्कर, सवारी छोड़कर लौट रहा था घर। अमेठी के सीडीओ पहुंची किटियावा, विकास कार्यों का जायजा लिया, ग्रामीणों से योजनाओं पर बात की। एटा में साइबर ठगी के मामले बढ़ने पर पुलिस अलर्ट, धोखाधड़ी के शिकार युवक के रुपए कराए वापस, दिन बचाव के दिए टिप्स। मिर्जापुर में चला बिजली चेकिंग अभियान, एक दिन में 149 कनेक्शन काटकर वसूला 30,32,000 बिजली चोरी पकड़ी गई। भदोही में सड़क हादसे में युवक की मौत, चीनी मिल के पास बस ने साइकिल में मारी टक्कर, ड्राइवर और कंडक्टर फरार। बागपत में पुलिस ने लिया सुरक्षा व्यवस्था का जायजा, बाजारों में बिना वजह घूमने वालों से पूछताछ, शांति बनाए रखने की अपील की। हापुड़ में प्लाईवुड फैक्ट्री पर जीएसटी विभाग का छापा, 1.5 करोड़ की टैक्स चोरी पकड़ी गई, 50 सदस्य टीम कागजों की जांच में जुटी। इटावा पहुंचे पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, बोले भारत जोड़ो यात्रा से भाजपा का कोई लेना देना नहीं है, कांग्रेस के मजबूत होने से खतरा। सोनभद्र में पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को किया गिरफ्तार, दुष्कर्म के बाद महिला का वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर रहा था।
औरैया में दिव्यापुर मार्ग पर पलटा अनियंत्रित ऑटो, सूचना पर पहुंची पुलिस ने तत्काल घायल महिला सिपाही को इलाज के लिए भेजा। कानपुर में बीजेपी पदाधिकारी को दरोगा ने जड़े थप्पड़, बीजेपी पदाधिकारी की पिटाई प्रकरण में हुई कार्यवाही। अलीगढ़ में खेतों में पानी देने गए किसान के संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्यवाही में जुट गई है। अमरोहा में बोलेरो कार की खिड़की खोलकर युवक युवती ने किया स्टंट, बोनट पर रखकर काटा केक। हरदोई में कार में फंसे छात्र को 1 किलोमीटर तक घसीटा, गुस्साए लोगों ने पलट दी कार, एसपी बोले अभियोग दर्ज कर की जाएगी कार्यवाही। धसरे जोशीमठ में हालात बदतर, 600 परिवार शिफ्ट होंगे, कागजों में बाईपास का काम बंद, हकीकत में बड़ी मशीनें पहाड़ खोद रही हैं। जोशीमठ को लेकर 47 साल पहले चेत जाते तो न होती तबाही, मिश्रा कमेटी ने खतरों पर किया था सचेत। जोशीमठ को लेकर केंद्र सरकार भी सतर्क, जोशीमठ के तत्वारित अध्ययन को गठित 6 सदस्य समिति। दिल्ली ने उत्तराखंड की राजनीति में रमता है हरीश रावत का मन, सक्रियता से विरोधियों को भी चौंकाया। उत्तराखंड में पलायन की रोकथाम को सीएम धामी ने दिए निर्देश, कहा वैज्ञानिक तरीके से बनाई जाए कार्य योजना। सतर्कता खुराक की कवरेज बढ़ाने की नई पहल, उत्तराखंड में अब ड्रोन से पहुंचाई जाएगी वैक्सीन। उत्तराखंड के रुड़की में हाथी दांत के साथ पकड़ा गया तस्कर, दांतों की कीमत लगभग 30 लाख रुपए। उत्तराखंड में जंगली जानवर नहीं करेंगे खेती बर्बाद, पर्वतीय जिलों में 130 करोड़ रुपए से की जाएगी फेंसिंग। उत्तराखंड के 3.25 लाख युवाओं को राहत, यूके SSSC के साथ परीक्षाओं को क्लीन चिट। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव को फटकारा, कहा कॉर्बेट में 6000 पेड़ कटे, 5 जांचे हो गई, कार्रवाई क्यों नहीं हुई। करण महारा ने धामी सरकार पर कसा तंज, बोले सरकार के रवैये का खामियाजा भुगत रहा जोशीमठ। खत्म न करे सभ्यता, खतरे में आ जाएगी मान्यता, सीएम धामी को पत्र भेज कुलपति ने की कार्यवाही की मांग। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने जोशीमठ को लेकर जताई चिंता, बोले जमीन धंसने के साल भर से मिल रहे थे संकेत। तकनीकी विशेषज्ञों की टीम पहुंचे जोशीमठ, मुख्यमंत्री धामी ने कहा हालात पर है पूरी नजर। उत्तराखंड में बच्चा अपहरण करने के मामले में आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ता की सेवाएं समाप्त, 50,000 में बेचा था। वर्जिन ऑस्ट्रेलिया एयरलाइन में हाथापाई करने लगा युवक, पायलट को सीट छोड़कर आना पड़ा, नहीं माना तो फ्लाइट से उतारा गया।
यूएस कैपिटल हिंसा के दो साल पूरे, बाइडेन ने कहा अमेरिकी कानून की भूमि है, अराजकता की नहीं। गिलगित बलूचिस्तान में प्रदर्शनकारियों पर चलाई गई ताबड़तोड़ गोलियां, कई निर्दोष नागरिकों की गई जान। राष्ट्रपति जिनपिंग ने कोविड नीति का किया बचाव, बोले जीवन की रक्षा के लिए सोच समझ कर लिया फैसला। अमेरिकी सदन स्पीकर की लड़ाई में ट्रंप को मिला सिर्फ एक और, सदस्यों ने लगाए हंसी के ठहाके। अमेरिका में 6 साल के बच्चे ने फायरिंग की, स्कूल में महिला टीचर को गोली मारी, क्लास में हुए विवाद से नाराज था। प्रिंस हैरी के खिताब के खुलासे, मां के मरने पर पिता चार्ल्स ने गले नहीं लगाए, भाई विलियम ने पहचानने से इनकार कर दिया था। रूसी सैनिक बैन के बाद भी यूज कर रहे मोबाइल, यूक्रेन सिग्नल ट्रेस पर अटैक करा, 400 सैनिक को मारने का दावा। मोस्ट वांटेड ह्यूमन स्मगलर गिरफ्तार, हजारों अफ्रीकी माइग्रेंट्स को किडनैप किया, महिलाओं के रेप के बाद टॉर्चर करता था। कोरोना के खतरे के बीच चीन ने खोली सीमाएं, बुजुर्गों की जान सांसद में, युवा दे रहे कोविड को न्योता। ग्रैंड विटारा सीएनजी किट के साथ लॉन्च के, 12.85 लाख रुपए की कीमत में मिलेगा 26.6 किलोमीटर का माइलेज। जियो ने ग्वालियर और जबलपुर में लॉन्च की 5G सर्विस, अब देश के 72 और मध्य प्रदेश के 4 शहरों में जियो 2 5G सर्विस। मारुति सुजुकी के भारत में 40 साल पूरे, कंपनी ने ग्रैंड विटारा, इंग्लिश बोलेनो, सियाज और XL6 के ब्लैक एडिशन लॉन्च की। CES 2023 में पेश हुई रंग बदलने वाली कार, बात करके भी और खुशी भी जताएगी BMW आई विजन डी, सैमसंग के रोल बेस स्क्रीन भी पेश। NSO का फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट वित्त वर्ष 2023 में भारत की GDP 7% बढ़ने की उम्मीद। चीन के अरबपति उद्योगपति जैक मा को लगा बड़ा झटका, हाथ से निकला एंड ग्रुप। अमेज़न इंडिया के छटनी के आसार, 1000 कर्मचारियों पर गिर सकती है गाज, नौकरी से होंगे बाहर। छटनी की घोषणा के बाद अमेज़न संस्थापक जेफ बेसोस के स्टॉक में भारी गिरावट हुआ, 5000 करोड़ का घाटा। यूरिटेक लिमिटेड के पूर्व निदेशकों के खिलाफ धोखाधड़ी का नया मामला दर्ज, 395 करोड़ रुपए के फ्रॉड का आरोप। पाकिस्तान पर महंगाई की मार, 10,000 में मिल रहा है सिलेंडर, आसमान छू रहे चिकन रोटी के दाम। रणजी में डिफेंडिंग चैंपियन मध्य प्रदेश का रिकॉर्ड कायम, मध्य प्रदेश ने 2 बार के चैंपियन विदर्भ में 205 रन से हराया। कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट वेटलिफ्टर संजीता चानू डोप टेस्ट में फेल, पिछले साल नेशनल गेम्स में लिए गए डोप टेस्ट में प्रतिबंधित दवा लेने की दोषी।
बीबीएल में खराब अंपायरिंग पर भड़के फैंस का इस लीग में अंपायर के फैसले के नाम पर चल रहा है मजाक। पांच साल से वनडे में बेहद खराब प्रदर्शन कर रहे रविंद्र जडेजा, टीम में जगह मिलना होगा मुश्किल। फुटबॉल जगत को लगा एक और बड़ा झटका, पेले के बाद इटली के महान खिलाड़ी जियान लुका का निधन। कराची टेस्ट में भरपूर रोमांच और फ्री एंट्री, फिर भी पाकिस्तान न्यूजीलैंड मुकाबला देखने को नहीं आए दर्शक। सानिया मिर्जा ने की टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा, अगले महीने दुबई में करियर का आखिरी टूर्नामेंट खेलेंगी। पाक न्यूजीलैंड कराची टेस्ट ड्रॉ, अंपायर ने खराब रोशनी के कारण खेल रोका, सीरीज 0-0 से बराबर हो गई। एशिया कप पर पीसीबी और एसीसी आमने सामने, नजम सेठी बोले पाकिस्तान को जानकारी नहीं दी गई। न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू टी20 सीरीज में रोहित विराट नहीं खेलेंगे, बीसीसीआई अधिकारी बोले दोनों के नामों पर नहीं किया जाएगा विचार। सर्दी में बाइक चलाते नजर आए आयुष्मान खुराना, वीडियो शेयर कर कहा बस जी लेना चाहता हूं। इरफान के निधन से बुरी तरह से टूट गए थे बाबिल, बोले मैं 45 दिनों तक कमरे से बाहर नहीं निकला था। बीमारी से रिकवर होने के बाद पहली बार दिखी सामंथा, ऑल व्हाइट लुक में लगी स्टाइलिश, मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई। बीमारी से रिकवर होने के बाद पहली बार दिखी सामंथा, ऑल व्हाइट लुक में दिखी स्टाइलिश, मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई। फराह खान के स्वागत के लिए खाली करा गया पूरा रेस्टोरेंट, डायरेक्टर बोली वाह लेकिन बिल कौन भरेगा। पति जैद के साथ घूमने निकली गौहर खान, प्लांट क्या बेबी बम्प, यूजर्स बोली जोड़ी को किसी की नजर न लगी। पत्नी संगीता से अलग हो रहे हैं सुपरस्टार थलापति विजय, 23 साल बाद ले रहे हैं तलाक का फैसला, फैंस को ये स्टार कपल की चिंता। अपनी दुखभरी कहानी सुनाते हुए इमोशनल हुए अब्दू, रोजिक बोले स्कूल से लौटकर बाजार में गाने गाता था, उसी से परिवार का खर्चा चलता था। विवादों से दूर समंदर में सैर करती दिखी दीपिका पादुकोण, फिल्म सब जारी कंट्रोवर्सी के दूर बेपरवाह अंदाज में नजर आई। शाहिद कपूर ने दिखाया अपने हेलमेट का कलेक्शन, कहा मिलिए मेरी गर्लफ्रेंड से, फैंस बोले आपके पास बहुत है, एक हेलमेट हमें भी दे दीजिए। आज के लिए शतक में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।